दोस्तों, ये जानते हुए कि महासागर हमारे ग्रह की सतह का 70% से अधिक सरफेस कवर करता है, यह ताज्जुब की बात है कि हमें कितनी कम जानकारी है समुद्र में रहने वाले जीवों की। और जितना हम जान पाए हैं उससे तो ये बात तय है कि दुनिया के सबसे विचित्र जीव आपको महासागरों की गहराइयों में ही मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट साइंस में। और आज हम आपको ऐसे ही 5 अद्भुत और अनोखे समुद्री जीवों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, लीफी सी ड्रैगन फिश। यह आपको देखने में एक नॉर्मल सीवीड की तरह लग सकती है, पर यकीन मानिए ये एक फिश है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी तट पर पाया जाने वाला यह जीव सी हॉर्स की फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 28 सेंटीमीटर तक की होती है। लीफी सी ड्रैगन ज्यादा तैर नहीं सकते, इनका मेन डिफेंस मैकेनिज्म कैमोफ्लैज होना है। ये अपने आप को सीवीड प्लांट दिखाने के लिए उनकी तरह लहराते भी हैं। इनकी बॉडी हार्ड बोनी प्लेट्स और स्पाइक्स से कवर्ड होती है। इस जीव के दांत नहीं होते, इसके बजाय इनके पास ट्यूब जैसा स्नाउट होता है जो स्ट्रॉ की तरह शिकार को सक और स्वॉलो करने के काम आता है। नंबर 2, क्रिसमस ट्री वॉर्म। यह जीव दुनिया भर के कोस्टल रीफ में पाए जाते हैं। यह देखने में एक छोटे क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं। इस वॉर्म की एवरेज लेंथ 1.5 इंच की होती है और उनका रेडियोल्स का डायमीटर 1.5 इंच तक का होता है। अपने छोटे आकार के कारण इनका वजन मात्र 28 ग्राम तक का होता है। क्रिसमस ट्री वॉर्म के 2 क्राउन होते हैं जो उनके ट्यूब जैसे शरीर से निकलते हैं। ये क्राउन जो क्रिसमस ट्री से मिलते जुलते हैं रेडियोल्स से बने हुए होते हैं जो वॉर्म के स्पाइन से निकलते हैं। यह रेडियोल्स सांस लेने के और खाना पकड़ने के काम में आता है। नंबर 3, एंगलर फिश। एंगलर फिश देखने में बेहद घातक और खतरनाक होती है। इनके नुकीले और बड़े बड़े दांत इन्हें देखने में बेहद डरावना बनाते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली इस प्रजाति में इल्यूसियम होता है जो ल्यूमिनेसेंस होता है और उन्हें अपने शिकार को लुभाने में मदद करता है। एंगलर फिश सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है। हालांकि वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से ये नहीं जान पाए हैं कि इस बैक्टीरिया को प्राप्त करने के लिए एंगलर फिश किस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का उपयोग करती है। नर एंगलर फिश मादाओं की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। जब एक नर एंगलर फिश मैच्योर होता है तो उसे फीमेल एंगलर फिश पर सर्वाइव करने के लिए लैच करना होता है, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। उसके बाद से यह मेल अपना सारा न्यूट्रिशन फीमेल एंगलर फिश के ब्लड स्ट्रीम से लेता है। नंबर 4, नॉर्दर्न स्टार गेजर। यह ज्यादातर यूएस के ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न स्टार गेजर अजीब दिखने वाली मछलियां हैं जिसमें धब्बेदार चपटा शरीर और एक बड़ा सर होता है। इनकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तक की होती है। इनकी मुंह और आंखें इनके बड़े से सर के ऊपरी तरफ स्थित होता है। इनकी पूंछ पर 3 लंबी रेखाएं दिखाई देती है। नॉर्दर्न स्टार गेजर अपने साइड फिन्स का प्रयोग करके अपने आप को रेत के नीचे दबा देती है। अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इनके एक ऑर्गन इनके सर पर होता है जो इलेक्ट्रिक झटके देता है, जिसका प्रयोग वो शिकार करने और शिकारियों से बचने के लिए करती है। नंबर 5, रेड हैंड फिश। रेड हैंड फिश ज्यादातर मछलियों की तरह तैरने के बजाय समुद्र तल पर चलती है। ऑस्ट्रेलिया और तैजमेनिया के पानी में पाए जाने वाली यह मछली 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसका सारा शरीर स्केल से कवर होता है, इसे डेंटिकल्स कहते हैं। इसे हैंडफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फिन मनुष्यों के हाथ जैसे दिखते हैं, जिसकी मदद से यह समुद्र तल पर चलती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी जीवों में से हैरत अंगेज करने वाला जीव कौन सा लगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।